मुंबई के तीन मरीजों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ये तीनों मरीज अब ठीक हो चुके हैं। चिंता इस बात की है कि कोरोना के मरीजों के शरीर में अब तक बनी तीन तरह की एंटीबॉडी इस स्ट्रेन पर बेअसर हैं। जानकर इस नए स्ट्रेन को साउथ अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है। मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर निखिल पटकर की टीम ने 700 कोरोना नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग की थी। इनमें से तीन के नमूनों में कोरोना का E484K म्यूटेंट मिला है। वायरस के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। इससे वायरस अपना रूप बदल लेता है, तब पुराने वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी बदले हुए वायरस पर बेअसर हो जाती है। बेंगलुरु के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिधर बाबू का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि E484K म्यूटेशन वाले वायरस सितंबर से जनता के बीच है। अगर ये बहुत तेजी से फैलते तो अब तक स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती। पश्चिम बंगाल में भी हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी को कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवाएगी। हमारी सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।